वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, वैसे ये टॉपिक नहीं है, आज हम डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से? तो हम डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के। सबको पता है इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को केटी लगती है, कितना परसेंटेज नहीं पता है बट बहुत सारों को लगती है, और इकोनॉमिक्स से बहुत लोग डरते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स बहुत इजी है और मैंने बहुत सारे इजी वे में इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करके वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं पढ़ाती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आपको जो भी वीडियो मिल रही है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम अभी वैसे डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12th के क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबको पता है। तो अगर हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता रहेगी जो हमें ऐसा लगे कि हाँ चांसेस है 90-95% की वो एग्ज़ाम में मिलेगी, तो वो क्वेश्चन ये सब। अब बोर्ड पे इतने सारे क्वेश्चन देख के डरो मत, वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अगर हम काउंट भी कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 10-15। तो 10-15 क्वेश्चन तो मतलब एग्ज़ाम में ही आने वाले हैं, तो अगर उतने ही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो बुरा क्या। तो वैसे ये 10-15 क्वेश्चन नहीं है, उससे ज़्यादा है, मैं आपको बता दूंगी। बट अभी हमें ये देखना है कि हम कौन से टॉपिक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना, जो कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहते, तो उस टॉपिक को पढ़ कर ही फ़ायदा नहीं होता है। तो मतलब उस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने का मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। जैसा कि इन फ्यूचर भी अगर हम जाते हैं, मतलब 12th के बाद हम मास्टर्स कर रहे हैं, आई मीन ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या इकोनॉमिक के फील्ड में कुछ कर रहे हो, तो मतलब कौन से ऐसे टॉपिक है जो एक्चुअल में आएंगे? तो वो सारे टॉपिक ये सारे हैं जो आप वर्ड सुनते रहोगे आगे भी, और ये सारे टॉपिक है जो आपको आगे एग्ज़ाम में, आगे आपके लाइफ में आपको मिल सकते। तो हम चलते देखते कि हाँ वो टॉपिक कौन से है। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं। वैसे देखो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और सबने देखा होगा कि एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है और एक मैक्रो इकोनॉमिक होता है। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक का सेक्शन ए है हमारा, जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है, वो फर्स्ट से लेकर 7th चैप्टर हमारा क्या दिया गया है, 6 या 7 श्योर नहीं, बट हमारा क्या दिया है, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट दिया गया। फिर उसके बाद जो दिया गया है वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट दिया गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक में हमारी जो छोटी डिमांड रहती है, हमारा जो सप्लाई रहता है, हमारी यूटिलिटी, हमारा डिज़ायर, देन उसके बाद मार्केट कौन कौन सी होती है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक के पार्ट्स आ जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या रहता है? मैक्रो इकोनॉमिक में कोई भी चीज़ की लार्ज पार्ट में बात किया जाता है, जैसे नेशनल इनकम, मनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब वो ऐसी चीज़ें जो लार्ज में आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट, और माइक्रो स्मॉल में। अभी तो छोटा सा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दे रही हूँ, एक रिव्यू, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ टॉपिक कैसे है। अच्छे रहेंगे तो आप उसको और डीप में, अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन अभी बस नॉर्मल अगर आपको समझ में भी आ गया ना, तो कम से कम अगर एग्ज़ाम में अगर कोई टॉपिक आता है ना, तो टॉपिक पे आप ऐसा ठोक के तुक्का लगा के ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो लिख कर आ सकते हो, अगर आपको मतलब लिखना आता है। 12th में आने के बाद मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आती है, मतलब अगर टॉपिक के बारे में कुछ तो पता है तो कुछ तो लिख सकते हो। तो वो बेसिस पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दे रही हूँ, और अगर आपको डीप में जाना है तो लिंक में वीडियो मिल जाएगी। अभी ये देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर उसका स्कोप एंड सब्जेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक जो मैंने डिस्कस की, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म की स्टडी, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक रोटी है, रोटी का अगर बस एक टुकड़ा लेकर उसकी स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक हो जाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक में उसके स्कोप एंड सब्जेक्ट्स क्या है? स्कोप एंड सब्जेक्ट तो जैसे ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की, इसके फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, इसके अंदर मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो सब है। अब देखो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, टॉपिक आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा ये फर्स्ट चैप्टर में बस दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप एंड सब्जेक्ट, इसके से और कुछ नहीं आते। और अगर आप पढ़ लोगे कि हाँ माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, तो ये सारे टॉपिक मतलब आपको ब्रीफ में आ जाएगा, या टर्म आ जाएगी, या डेफिनेशन आ जाएगा, डिफाइन करो आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा,
आपको लिखना रहेगा, अगर एक ही टॉपिक पढ़ लेते हो तो उसके 10 क्वेश्चन भी आएगी तो आप लिख सकते हो। यूटिलिटी, यूटिलिटी में क्या, यूटिलिटी क्या होती है? अब ये यूटिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज में, मतलब कितनी पावर है आपकी वांट सेटिस्फाई करना। यूटिलिटी इज अ वांट, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ क्या होता है कि आप अभी कोई भी कमोडिटी, जैसे हम यूटिलिटी चेंज होती रहती है, जैसे एक पानी का ग्लास है, अगर कोई प्यासा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, दूर से थक कर आया है, उसको पानी चाहिए, तो उसको अगर वो ग्लास ऑफ वाटर हम देंगे तो उसके लिए वो ग्लास ऑफ वाटर मतलब फुल सेटिस्फेक्शन के लिए है, तो उनका क्या हो जाएगा, यूटिलिटी बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। लेकिन एक इंसान जो पानी अभी अभी पीकर उठा है दो ग्लास, और उसको हम वो ग्लास ऑफ वाटर देंगे, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की मतलब उस पानी की यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट भी है, चेंज भी होता रहता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सिचुएशन के हिसाब से डिफर करता है, प्लेस के हिसाब से डिफर करता है। तो वो वाली चैनल पे भी मेरे वीडियो है, आप देख सकते हो, जैसे यूटिलिटी के क्या इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी क्या होता है ये अगर जैसे मैंने बताया वो आपको पता चला होगा, देन उसके फीचर्स क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या है, जैसे प्लेस यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी है, एंड ऑल है। फिर उसके बाद सी, सी में क्या आ गया, कंसेप्ट, यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू, तीन लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड है लॉ ऑफ डिमांड, और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। सबने सुना होगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डीएमयू, ये आता ही आता रहता है। इवन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चाहते हो तो भी आपको ये लॉ मिलेगी। अब ये लॉ में क्या होता है, लॉ में अपना पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पहला मीनिंग रहेगा, या पहला इंट्रोडक्शन मीनिंग, फिर इसमें डेफिनेशन डाल सकते हैं, देन उसके बाद उसका स्टेटमेंट रहता है, एक रहता है, फिर उसके बाद अजम्पशन रहता है और एक्सेप्शन रहता है। अब क्वेश्चन में मतलब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अजम्पशन कभी पूछेगा कभी एक्सेप्शन पूछता है, हमें डायग्राम भी बनाना रहता है और डायग्राम के ऊपर टेबल बनाना रहता है, वो कैसा क्या रहेगा मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। अभी हम ये देखते हैं क्या यूटिलिटी में, अभी लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी एक ग्लास उस प्यासे इंसान को मैंने पानी दे दी, तो पानी देने के बाद अब अगर वापस एक ग्लास दूंगी तो अब वो जो यूटिलिटी उस ग्लास ऑफ वाटर में थी वो पहले लेवल पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे लेवल पे क्योंकि उसने थोड़ा पी चुका है तो अब उस ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी कम हो जाएगी, फिर और दूंगी तो और कम होती जाएगी, तो वो क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक लेवल से कम होता रहता है, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं कि कुछ चीज़ों पे ये डीएमयू का लॉ अफेक्ट नहीं करता है, मतलब असर नहीं रखता है, इस चीज़ को हम डाल ही नहीं सकते लॉ ऑफ डीएमयू में। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, पैसा, मनी, मनी एक लिमिटेशन में आता है कि पैसा, पैसे का ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा अभी 2 रुपये मतलब 100 रुपये मिला तो अभी हम बोलेंगे कि नहीं अब 80 मिले, 60 मिले, 70 मिले, या ऐसा होता है कि 100 रुपये मिले तो लोग बोलेंगे 200 दो, 300 दो, मतलब हमारी डिमांड क्या होती जाती है, बढ़ती ही जाती है। यहाँ हमारी जो यूटिलिटी है या हमारा डिमांड है वो कम नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन केस में ऐसा आ जाता है, आई होप समझा होगा। देन उसके बाद हमारा आता है डिमांड। ओके, अब डिमांड क्या होता है, डिमांड किसी भी चीज़ की जब हम डिमांड कर रहे हैं, जैसे मांग कर रहे हैं, उसको हम डिमांड बोलती है। अब डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है। अगर आप अकेले, आपको कोई, आप कोई स्टडी करते हो, कोई भी एजुकेशन में मतलब जा रहे हो किसी भी फील्ड में, तो आप उस एजुकेशन करने के लिए बुक्स की डिमांड करोगे, कुछ क्लासेस की डिमांड कर रहे हो कि आप मुझे पढ़ने के लिए कैसे चाहिए, तो वो जो डिमांड कर रहे हो वो आपकी डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन वही कोर्स अगर सब मिलकर मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उन सब की तो सेम डिमांड होने वाली है ना, एक ही चीज़ की, तो जो सबकी डिमांड रहेगी वो मार्केट डिमांड बोलते हैं, और एक इंसान की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड में भी क्या होते हैं, टाइप्स होती है। अब डिमांड में कैसे टाइप्स होती है, एक डायरेक्ट डिमांड होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, फिर अपोजिट डिमांड होती है, मतलब है। अब डायरेक्ट मतलब कोई भी चीज़ की डायरेक्ट डिमांड, वो भी मैंने वीडियो बना दी हो, आप चीज़ देख सकते हो। देन उसके बाद कंसेप्ट है छोटा सा, क्या डिमांड क्या होता है कंसेप्ट। देन उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, हाँ सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स। अभी कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यहाँ फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसकी भी वीडियो है। जैसे प्राइस है, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा कोई प्रोडक्ट का, तो उस हिसाब से हमारी डिमांड भी बढ़ती कम होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप वीडियो देख लेना। लॉ
लॉ ऑफ डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ये जो टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ, ये बहुत ईजी टॉपिक है इकोनॉमिक्स एक, मतलब अगर आपने उसको सही तरीके से पढ़ा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपको बस सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखना, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जो जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तो आप चेक कर सकते हो उसको। अभी आता है वेरिएशन। अब वेरिएशन इन डिमांड, मतलब वेरिएशन इन डिमांड क्या होगा, कभी डिमांड इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। ये भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि किस बेसिस पे डिमांड इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। इनकम के वजह से होती है और कभी कभी प्राइस की वजह से होती है। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी डिमांड के टॉपिक का ये कि हाँ प्राइस की वजह से, इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें चेंज नहीं होती है, नहीं नहीं चेंज होती रहती है। तो अब यहाँ डिमांड में किस किस वजह से चेंजेस आते हैं, इसके अंदर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक मतलब चाहिए, जो इन सारे टॉपिक में से कुछ टॉपिक की वीडियोज़ जो मैंने अपलोड अभी तक नहीं किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मतलब आते ही आता है, या तो सप्लाई का आएगा या डिमांड का आएगा। जैसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वैसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब दोनों है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है आउटपुट सप्लाई स्टॉक। अब ये हमारा स्टॉक प्रोड्यूसर बिहेवियर सा मतलब चैप्टर का नाम था। उसमें कैसा होता है कि यहाँ हम स्टडी करते हैं सप्लाई के बारे में, कि हाँ सप्लाई क्या होता है, तो मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन में मतलब इनपुट डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल डालने के बाद क्या होता है, आउटपुट निकलता है, मतलब आउटपुट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है। देन उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको सेल किया जाता है। तो वो जो आउटपुट मतलब इनपुट डालने के बाद आउटपुट निकला, देन उसके बाद उसका सप्लाई कितना किया जा रहा है। जैसे अगर समझ लो मैंने 10,000 ड्रेसेस का मेरा आउटपुट हुआ, मैं एक मतलब ड्रेसेस को क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ या जो भी कर रही हूँ मैन्युफैक्चर, तो अब 10,000 ड्रेसेस वो मेरे क्या हुए, वो मेरा स्टॉक है, मतलब कितना आउटपुट निकला। अब वो 10,000 में से मैंने सप्लाई कितने का की, अगर 8,000 का सप्लाई की तो सप्लाई में 8,000 आएगा, और स्टॉक में मतलब मैंने 10,000 स्टॉक में से 8,000 सप्लाई कर दी, 2,000 रिमेनिंग रहेगा। वो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा चुकी है, आप देख सकते हो। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को डिटर्मिनेंट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, वो भी वीडियो है आपके पास। वो भी मतलब प्राइस रहता है, इनकम रहता है, और भी टेस्ट रहता है, प्रेफरेंस रहता है, लॉ, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, वो भी बहुत ईजी है और आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चेंज इन सप्लाई, अब सप्लाई में कैसे चेंज होता है, सप्लाई में भी वही एक हमारा इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन और वो। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारे पास 3-4 टाइप की मार्केट है, जैसे मोनोपोली मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, और हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और इसके फीचर्स तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो। मतलब 6-7 पॉइंट भी अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है, और वीडियो आपके यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबने सुना होगा कि जब हमें प्रोडक्शन करना रहता है उसके लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। 4 फैक्टर्स रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ क्या होता है कि लैंड के फीचर्स क्या है, देन उसके बाद कैपिटल के फीचर्स क्या है, लेबर के फीचर्स क्या है, ये सारी वीडियो भी अवेलेबल है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चैनल पे वीडियो है। देन उसके बाद ये हमारा यहाँ हम ख़त्म होता है माइक्रो इकोनॉमिक का, मतलब सेक्शन ए। मैं आपको ये बात भी बता दे रही हूँ, जो सेक्शन ए है ना उसमें से ही आपको 80 में से अराउंड 65 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिल जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका 60 मार्क्स आ जाएगा, अगर आप सेक्शन ए पढ़ रहे हो तो। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ऑप्शंस मिलते हैं। और जो सेक्शन बी है हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है, उसमें से भी मतलब समझो 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते होंगे उससे ज़्यादा, लेकिन हम उसको ऑप्शन में भी बहुत सारे टॉपिक रख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि हाँ जो इजी टॉपिक है जो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, वो सारे टॉपिक को मैंने कवर किया। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक से कुछ ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और कुछ ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक और फीचर्स ऑफ मैक्रो, मतलब फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एक क्वेश्चन पढ़ना रहेगा आपको चैप्टर 8 से।
देन उसके बाद आता है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में बस आपको पढ़ना रहेगा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और डिटरमिनेंट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब सॉरी डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम, कि हाँ नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे क्या डिफिकल्टीज होती है, ये भी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है. देन उसके बाद आता है मनी. अब मनी में क्या पढ़ेंगे हम, मनी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी का क्या टाइप्स है, वो भी वीडियो मैंने अवेलेबल करवाई हूँ, और बार्टर सिस्टम क्या होता है. देन उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा है, वो है कमर्शियल बैंक. ये भी चैप्टर है. कमर्शियल बैंक में क्या होता है, कमर्शियल बैंक के मतलब फीचर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 12th के इको में भी मिलेगी और साथ में आपको ये 12th के ओसी में भी मिलेगी. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कमर्शियल बैंक है, जो हमारे पास आस पास बैंक है जैसे कैनरा बैंक, मतलब हमारी RBI को छोड़ के जो भी मोस्टली बैंक रहती है वो सारी कमर्शियल रहती है. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पंजाब एंड ऑल, तो ये सारी क्या होगी, कमर्शियल बैंक होगी. अब ये बैंक क्या रोल प्ले करती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, यूटिलिटी फीचर्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी सब आप पढ़ सकते हो और ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. बस इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हो गया, मतलब आपको 80 में से 80 गारंटेड मिल जाएगा. अब आप बोलोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन कम है क्योंकि टॉपिक कम है. अब एक ही टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप उसके ऊपर आंसर लिख ही सकते हो, चाहे कुछ भी आंसर क्वेश्चन आ जाए, कि ब्रीफ बताओ, डिटरमाइन करो, शॉर्ट नोट्स बताओ, देन उसके बाद उसका डेफिनेशन पूछेगा, डिस्टिंग्विश पूछेगा, ट्रू फॉल्स पूछेगा, कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हो, लेकिन आपको उस पॉइंट के बारे में पता रहना चाहिए अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए. तो आपको वो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, मैं सारी आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हो. आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो मैं आपको कभी और प्रोवाइड करती हूँ. अपना ध्यान रखो, देखिए.